अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान खान। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मूवीज वॉक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं राया एंड द लास्ट ड्रैगन, जो कि डिज्नी प्लस के प्रीमियम एक्सेस पर रिलीज हुई है। हालांकि ये एक एनिमेशन मूवी है। आमतौर पर लोग एनिमेशन मूवीज को देखना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि बच्चों की मूवी है, सब बच्चों को देखनी चाहिए, हमारे मतलब की ये मूवी नहीं है। लेकिन गाइज, हमारा तो काम है कि अच्छी मूवी से आपको रूबरू करवाना और ख़राब मूवी से आपको बचाना। तो खैर, ये एक अगर इस मूवी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे एक बात, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन मूवी ऑफ 2021, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए और बच्चों को तो डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए और साथ में बड़ों को भी देखना चाहिए। और फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और इस अब ये हिंदी में अवेलेबल भी है। तो गाइज, ये 1 घंटे 47 मिनट की है और क्या आपको अपने 1 घंटे 47 मिनट इस मूवी को देखना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सभी कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ये होगा कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो गाइज, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं कि आपको अपना इम्पोर्टेंट टाइम इस एनिमेशन मूवी को देना भी चाहिए या नहीं। तो गाइज, रिव्यू तो मैं मिमी का करने वाला था, लेकिन मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि पहले इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेगी। मिमी का रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर थोड़ी देर बाद अवेलेबल होगा। और गाइज, इस मूवी, ये एक इतनी ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है। आपने पहले 2016 में रिलीज़ हुई मुआना को तो देखा ही होगा। अगर आप एनिमेशन मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपसे मुआना तो मिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी 2016 की और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है मुआना। इसी डायरेक्टर ने इस मूवी को, राया एंड द लास्ट ड्रैगन को बनाया है। तो गाइज, देखते हैं कैसी मूवी है। तो गाइस, इसकी कहानी शुरू होती है कि दुनिया नष्ट हो चुकी है, और लेकिन ये दुनिया आज नष्ट नहीं हुई है, ये दुनिया नष्ट हुई है 500 साल पहले कुमुद्रा नाम की एक जगह पे इंसान और ड्रैगन साथ साथ रहा करते थे, लेकिन ये ड्रैगन आम ड्रैगन नहीं हुआ करते थे। हर ड्रैगन पे अलग अलग तरह की शक्तियाँ, पावर्स हुआ करती थी और ये इंसानों की रक्षा करते थे और इंसानों के साथ साथ रहा करते थे। लेकिन एकदम अचानक से बवंडर फैल जाता है। अब बवंडर का यार मीनिंग तो बहुत ही अलग होता है कि बवंडर क्या होता है। बवंडर इसमें एक शैतान सा कुछ दिखाया है जो हावी होने लगता है इंसानों पर और सबको पत्थर बना देता है। तो गाइज, बवंडर फैलने लगता है और सभी लोगों को अपनी चपेट में लेने लगता है। तो उस बवंडर से सभी ड्रैगन अपनी दिलो जान से लड़ते हैं और वो सभी ड्रैगन्स को पत्थर में तब्दील कर देता है। तभी एक ड्रैगन अपनी सारी शक्ति एक हीर में बदल देता है और उस बवंडर को रोक देता है। फिर से खुशहाली और इंसान पत्थरों से वापस इंसान बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी ड्रैगन वापस नहीं आता है। और गाइज, अब सभी इंसान खुशी से खुशहाल रहने लगते हैं और उस हीर की रक्षा करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि इंसानों को तो भाई शांति पसंद आती नहीं है यार, मतलब शांति से रह ही नहीं सकते। अगर खुशी से, शांति से, सुकून से रह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं रह सकते, उनको बस लड़ना रहता है आपस में। तो यही होता है कि उस हीर के चक्कर में सभी इंसान आपस में लड़ने लगते हैं और वो हीर टूट जाता है। जो शांति उस लास्ट ड्रैगन ने बनाई होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है और सभी बवंडर सभी पे हावी हो जाता है और सभी इंसान को पत्थर में बदलने लगता है। तो गाइज, आगे जानने के लिए आपको देखनी होगी ये पूरी की पूरी एनिमेशन मूवी। और क्या ड्रैगन्स वापस आ पाते हैं, क्या वो लास्ट ड्रैगन फिर से कुछ दोबारा वापस आके कर पाता है या नहीं, और राया इन सभी को बचा पाती है या नहीं बचा पाती, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। तो गाइज, बात करें डायरेक्शन की, तो इस मूवी का डायरेक्शन बिल्कुल पहले की मूवी मुआना की तरह माइंड ब्लोइंग है। जिस तरह से ग्राफिक और जिस तरह से एक्शन सीन्स इस मूवीज़ में दिखाए गए हैं वो देखने काबिल हैं और आपको पूरी मूवी में डायरेक्शन इसका बांध के रखता है। गाइज, डायरेक्शन तो परफेक्ट है ही, इसके अलावा इस मूवी में
इमोशनल टच भी बहुत अच्छा दिया गया है, आपको बीच बीच में काफी ज्यादा इमोशनल भी ये फिल्म करती रहती है। बात करें सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की तो गाइस आपको वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर इसमें रहेगा राया, और सेकंड नंबर पे अगर बात करी जाए तो ड्रैगन का जो कैरेक्टर प्ले किया है, जबरदस्त प्ले किया है, आपको उसके ग्राफिक और उसके अमेजिंग सीन्स आपको जबरदस्त लगेंगे। बाकी अदर कैरेक्टर्स जो इस मूवीज में लिए गए हैं, वो उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है, जिसको जितना जितना काम दिया गया है बहुत ही अमेजिंग दिया गया है। तो गाइज बात करें एक्शन की, तो इस मूवी में आपको जबरदस्त एक्शन, मैजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा बीजीएम की, तो क्या जबरदस्त बीजीएम इस मूवी में, पूरी मूवी में आपको जबरदस्त बीजीएम देखने को मिलेगा। तो गाइज बात कर लेते हैं कि हमारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को क्या रेटिंग दी है। तो गाइज आईएमडी पे इसकी रेटिंग है 7.5 की, और सभी क्रिटिक्स ने इस मूवी की तारीफ की है। बात करूं, अगर एक वर्ड में बात करूं मैं इस मूवी के बारे में, तो मास्टरपीस, मास्टरपीस है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जाइए, अगर आपके पास टाइम है, फ्री बैठे हैं, तो फौरन आप राया एंड द लास्ट ड्रैगन देखिए। अगर आप एनिमेशन मूवी नहीं भी देखते हैं तो अभी गारंटेड ये आपको मूवी पसंद आएगी। अगर मैं इस मेरी बात करें मेरी रेटिंग की इस मूवी की, नहीं है तो मेरी रेटिंग रहेगी 10 out of 8 star। तो गाइज अगर मेरा रिव्यू आपको ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं, और आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपको कैसी ये मूवी लगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही में यार आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ये होगा कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज बॉक्स चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।